विभिन्न आपदाओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उनके माध्यम से प्रतिउत्तर के लिए समुदाय की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में शैक्षिक संस्थाओं को सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से लर्निंग हब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड DRR विषय पर एक बैठक का आयोजन सर्किट हाउस के एनेक्सी सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ ने किया। बैठक का संचालन करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों पर PPT प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनपद गोरखपुर में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर इस दिशा में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के सहयोग में पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही है। साथ ही विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम के पूर्व एवं वर्तमान छात्रों के साथ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर जन समुदाय को जागरूक करने का कार्य कर रही है। डॉक्टर भानु PGVS गोरखपुर ने प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा बिंदु पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि यदि हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत रणनीति का निर्माण करना है तो इस एजेंडा बिंदु के अंतर्गत ही कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ग्राम स्तर तक विभिन्न आपदाओं में प्रतिउत्तर हेतु समुदाय स्तर तक जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आपदाओं के प्रभावों को न्यून करने हेतु यह आवश्यक है कि विकास योजनाओं को इस प्रकार लागू किया जाए जिससे कि अस्थायी विकास हो और कम से कम नुकसान हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा, इसको सबके लिए लागू करने की जरूरत है। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। वो ताजमहल उस जमाने में बन गया, पत्थर ऊपर चला गया, लेकिन आज पता नहीं कितने सारे ताजमहल बन रहे होंगे और पत्थर जो है छोटा आदमी लेके जाने की कोशिश कर पा रहा है। तो जितने टेक्नोलॉजी है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर हम कर सकते हैं, देन डेवलप ए नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी उसमें, टू वर्क ऑन डिजास्टर इश्यूज। तो हम विश्वविद्यालयों को और उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको डिजास्टर इशू पर काम करने के लिए उनका नेटवर्क बनाए। ये शायद एक बड़ा मुद्दा है जिसको ठीक से अभी समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम इनको इनकॉर्पोरेट करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, हमने नेटवर्क बना लिया और बहुत हुआ तो हम सिलेबस में लिख देंगे कि साहब ये सिलेबस जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, बट इट विल नॉट हैपन। क्योंकि कहते ना कि पहले जब डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया था सिन्हा साहब ने, जिसके बारे में हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के वर्कशॉप किया था 90-91 में, तो 2001-2002 में, तो उस प्रोसेस में कैसे हम पूरे इश्यूज को देश के विभिन्न क्षेत्रों में सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हुए उनको एजुकेट करना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, तो ये करने की आवश्यकता है। और इसमें बच्चा बच्चा इन्वॉल्व, कल्चर बने हमारा कि वो हमारे कल्चर में जुड़ जाए, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन। क्योंकि अभी जो हमारा DM एक्ट था वो 2005 का, तो उसके पहले तो सारे लोग वही कैसे रिलीफ होगा, कैसे चीज़ें होंगी, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो शायद उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें हम जोर दे रहे हैं कि नहीं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हालांकि जो CBSE और UP बोर्ड इनकी पुस्तकों में शायद थोड़ा बहुत जिक्र कहीं कहीं किसी क्लास के उसमें रहा होगा, जी जी, लेकिन बाकी डिटेल इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। जो पिछले आपदाएं हैं उनसे सीखें, लर्न फ्रॉम राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके साथ में बैठ करके हम बातचीत करें। तो हमने 2016 में ही इस बात को एम्फसाइज कर दिया था और इसका एक प्रेजेंटेशन भी है, वो प्रेजेंटेशन सर हम लोग चलवा देते हैं उसमें हम लोग। उन्होंने ये कहा था कि AMC DRR जो एशियन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन DRR था, तो इस कॉन्फ्रेंस में
ये सारी बातें इन्होंने कही थी जो सिंधई जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद पहला ऐसा, और सेंस ऑफ अर्जेंसी है, सेंस ऑफ प्रायोरिटी है। ये जो ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें एयरपोर्ट, रोड, कैनाल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्रिजेस, इतनी भी चीजें, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई कर कॉन्क्रीट मेजर्स फॉर डिजास्टर रिस्क स्टैंडर्ड्स हैं वो रेजिलियंस बिल्डअप करें, और धीरे धीरे हम हमेशा उसको अपग्रेड करते रहें कि क्या एक्शन हो सकते हैं। तो इसमें हम इंश्योरेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, सीढ़ी दिख रहे हैं सारे के सारे, तो हम कैसे उनको भी उसमें ले, और फिर जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हम ढूंढें। तो ये अगेन ये सारे का सारा स्टडी कर रहे हैं, बनाए हम अलग अलग NDRF और SDRF की, हम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ें, आपदा मित्र जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है, फिर हम उनकी ट्रेनिंग करें, उनको सेंसिटाइज करें, उनके बीच में हम हेल्दी सिलेक्शन की प्रक्रिया डेवलप करें। नेक्स्ट, रिस्क मैप करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो हम नेशनल लेवल पर डिजास्टर रिस्क असेसमेंट है उसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पैरेलली उनको दिमाग में रखते हुए उनके साथ जुड़ करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी हम जो स्टेट लेवल मल्टी हजार्ड रिस्क असेसमेंट है उसको हम दिमाग में रखें, क्योंकि आज की तारीख में मल्टी हजार्ड या मल्टी डिजास्टर्स को दिमाग में रख करके सारी बातें हो रही हैं, और अभी हम फेस कर रहे हैं इस समय कि बाढ़ भी है, कोविड भी है, इसमें बिजली भी गिर रही है, सांप भी काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं। और फिर ये कहते हैं कि इसका मैपिंग कैसे होगा, क्योंकि मैपिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और रिस्क असेसमेंट को सामने रखें लोगों के डॉक्यूमेंट के रूप में। फिर हम ई प्लेटफॉर्म डेवलप करें, हम एफिकेसी कैसे सिस्टम की इंक्रीज होगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हम जनरेट करते हैं तो कैसे वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कैसे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ये नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी को लेकर के भी है कि कैसे हम थीम्स चुनें, किस एरिया में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है तो जिस एरिया में वो उसका थीम ले रहा है, अगर कोस्टल एरिया है तो हम कोस्टल को उसके हिसाब से हम देखें कि क्या यूनिवर्सिटी है और किस हिसाब से उसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो हम हो सकता है कि डिवाइड करते हैं 5-6-7 हजार जो क्राइटेरिया उसके हों, तो उसमें सारे इंस्टीट्यूशन को हम कहें भाई आप 5 लोग ये करेंगे, 5 लोग ये करेंगे, दैट कैन दैट गाइडेंस। आज की बैठक उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ, और ये बैठक ऑर्गेनाइज की थी मैंने कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ रखते हुए हम कैसे नेशनल डिजास्टर प्लान जो कि प्रधानमंत्री जी ने 10-पॉइंट एजेंडा को शामिल करके उसमें बताया है, कैसे डिजास्टर्स से हम एक प्लान बनाएं जिससे कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम किसी भी तरीके की हानि से हम बचने के लिए क्या क्या प्लान बनाया जाए। तो उसका मुद्दा एक था कि मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर का जो 10-पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उत्तर प्रदेश एक अग्रणी स्थान ग्रहण करे, प्रधानमंत्री के जो 10-पॉइंट एजेंडा जो कि डिजास्टर से संबंधित चीज़ें हैं और एक उदाहरण के रूप में पूरे देश में, और इसके बारे में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU साइन किया हुआ था, अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी को हमने बताया है कि हम उनके साथ मिलकर और काम करना चाहेंगे, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी नुमाइंदे आए थे उनके साथ भी बातचीत हुई है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के CDO साहब भी थे, ADM साहब भी थे, और मकसद यही था कि हम अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान कैसे बनाएं, विलेज डिजास्टर प्लान कैसे बनाएं, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए हम DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे हम अपने इसमें आपदा के उस शब्दावली में इस्तेमाल करते हैं
उसके ऊपर हम ज़्यादा बातचीत करते हुए और इस प्लान को विकसित करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। विकसित करना जरूरी है और उससे ज़्यादा जरूरी है उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, और अगर आगे आने वाले समय के अंदर कम से कम जनहानि हो, कम से कम मालहानि हो, कम से कम लोगों को तकलीफ़ हो, कम से कम जाने जाएं, और इसी के बारे में एक समन्वय बना करके। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग भी शामिल हुए थे सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और मैं देख रहा हूँ कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो प्लान बनाया जाएगा एक स्टैंडर्ड प्लान होगा, एक उदाहरण होगा जो कि पूरे प्रदेश में बताया जाएगा कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान देखना है तो वो गोरखपुर का देखिए, जो कि एक लखनऊ गोरखपुर यूनिवर्सिटी और मदन मोहन टेक्निकल यूनिवर्सिटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। और यही आज का मुद्दा था और मीटिंग हमारे तरफ से 100% सक्सेसफुल रही है। जो हम मुद्दा लेके चले थे हमने अचीव किया है।